50वें राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी जो 1971 में शुरू हुई और महाराष्ट्र में इसका आयोजन करने का दो बार मौका मिला, 1979 में मुंबई और 2006 में पुणे। काफ़ी समय के बाद ये मौका फिर हमें मिला है। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के महामहिम राज्यपाल आदरणीय रमेश जी बैस जी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और पुणे जिला के पालक मंत्री माननीय नामदार श्री अजित पवार जी, इस आयोजन में जिनका प्रमुख रोल रहा, जिस विभाग की ओर से ये प्रदर्शन का आयोजन हम करने जा रहे हैं, उस विभाग के मंत्री शालेय शिक्षा मंत्री जो हर विषय को बड़े लगन से करते हैं, ऐसे माननीय दीपक जी केसरकर जी, मंच पर विराजमान एनसीईआरटी के जॉइंट डायरेक्टर श्रीधर श्रीवास्तव, राज्य के सभी अधिकारीगण, इस प्रदर्शनी में देश के राज्य और केंद्र शासित राज्य 31 की संख्या में और लगभग 200 की स्कूल की संख्या में, और हर स्कूल में जो संख्या आई है उसको यदि गिनाया जाए तो 1000 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों यहाँ उपस्थित है। तो यहाँ उपस्थित सभी राज्यों के स्कूल के टीचर, उस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट, उस राज्य के साथ आए हुए सारे अधिकारीगण, बंधु और बहनों, जैसे मेरे पहले के सारे वक्ताओं ने बताया, एक बड़ी परंपरा इस प्रदर्शनी की है। लेकिन अभी के दिनों में इस प्रकार की प्रदर्शनियों का महत्व दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पंतप्रधान होने के बाद यह दिशा हम सबको दी है कि पूरी दुनिया यदि अमीर बनी तो इनोवेशन से बनी, संशोधन से बनी, और उस संशोधन के बाद उनका जो संशोधन इनोवेशन सिद्ध हुआ उसको पेटेंट मिला या पेटेंट उन्हें प्राप्त किया, उस पेटेंट की रॉयल्टी के आधार पर सालों तक वो पैसा कमाते रहे। हम हमेशा कोई भी प्रोडक्ट हमारे या इनोवेट न करते हुए इंपोर्ट करने में लगे तो हमारी जो देश की पूंजी है वो विदेश में जाती रही, हम कभी श्रीमंत बने नहीं, अमीर बने नहीं। तो 14 से ही लगातार उन्होंने यह आग्रह किया, 14 से 19 तक इस आग्रह में उन्होंने लगातार अपने भाषण में अपने मार्गदर्शन में विषय रखा। लेकिन 2020 से उन्होंने नई शिक्षा नीति का आग्रह किया, स्कूल लेवल पर भी और कॉलेज लेवल पर भी। उस नई शिक्षा में जो चार प्रमुख बिंदु बनते हैं, उसमें एक बिंदु बनता है कि अपने विरासत का अभिमान निर्माण करना। जिस विरासत के बारे में लगातार यह बताया गया कि आपको कोई विरासत ही नहीं है, आपका राष्ट्र नया निर्माण हुआ है, अंग्रेज आने के बाद ही आपको एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया, तो ऐसा नहीं है। 5000 साल के इस देश की परंपरा है, इसका आग्रह। और सबसे बड़ा आग्रह यह जो आज हम आयोजन करने जा रहे हैं कि हमारी शिक्षा यह नौकरी देने वाली शिक्षा हो, हमारी शिक्षा यह दूसरे को नौकरी देने वाली शिक्षा हो, यानी वो कुछ स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल्य विकास के माध्यम से अपनी यह क्षमता बढ़ाए कि वो समाज को भी कोई उपयोगी प्रोडक्ट दे, स्वयं भी अमीर बने, लोगों को रोजगार दे और देश की पूंजी को भी टैक्सेस के माध्यम से बढ़ाए। तो इसलिए लगभग फर्स्ट स्टैंडर्ड से अब सिक्स स्टैंडर्ड तक भी, यानी इतने कम आयु में भी स्किल डेवलपमेंट का, कौशल्य के विकास का आग्रह रखा है। उसी के साथ साथ स्कूली एज से ही संशोधन वृत्ति उसकी बढ़े, लगातार उसके दिमाग में ये चले कि ये क्यों हो रहा है, उसको कुछ पर्याय है क्या, ये पर्याय पूरी दुनिया को उपयोगी साबित हो सकता है क्या। जितने भी वैज्ञानिक बने वो अचानक कॉलेज में जाने के बाद नहीं बने, बचपन से ही उनमें इस प्रकार के गुण ध्यान में आए कि ये कुछ बन सकता है। तो स्कूली लेवल पर ऐसे स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना, उनको प्रोत्साहन देना कि करो भाई करो, हम आपके साथ हैं। अभी माननीय राज्यपाल मोदी जी ने आते ही
लगभग 5 स्टॉल पर विजिट की, उसमें जो प्रोडक्ट या उसमें जो संशोधन बना है वो महाराष्ट्र के हर गांव को उपयोगी ऐसा ध्यान में आया है। चाहे वो धान का चावल निकालने वाला मशीन हो जो सोलर बेस है, चाहे वो एयर प्यूरीफायर हो, तो यह प्रोडक्ट प्रोत्साहन नहीं मिला तो बनते भी नहीं और मार्केट में भी आते नहीं। मैं एबीवीपी में काम करता रहा, उसमें एक डिपेक्स नाम की इसी प्रकार की एक्टिविटी को हमने बहुत बड़ा किया, जिसमें पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को अभ्यासक्रम का भाग ही होता है कि उन्होंने कुछ मॉडल बनाना। उसकी हमने कॉम्पिटिशन शुरू की, करते करते आज मार्केट में कई प्रोडक्ट ऐसे है कि जो उस एग्जीबिशन में पहले रखे गए और बाद में इंडस्ट्री ने उसको बढ़ावा दिया। मैं माननीय केसरकर जी को इस आयोजन के लिए उनका अभिनंदन करने के साथ यह आग्रह से कहूँगा कि ये सिर्फ स्कूल का एक एक्टिविटी बनकर रहे तो उसका कुछ फायदा नहीं। हमने जैसे विद्यार्थी परिषद में बाद में सृजन नाम का एक ट्रस्ट बनाया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उस ट्रस्ट पर लाए और इंडस्ट्री ने वो प्रोडक्ट ढूंढकर मार्केट में लाना शुरू किया, तो हमें भी कोई एक ट्रस्ट गवर्नमेंट का, माननीय अजीत दादा यहाँ उपस्थित है वो राज्य के अर्थमंत्री भी है, तो एक ट्रस्ट ऐसा बनाया जाए कि जिस ट्रस्ट के माध्यम से इस प्रकार के प्रदर्शनों से जो अच्छे प्रोडक्ट ध्यान में आते हैं उनको मार्केट में लाने का सारा सपोर्ट हमको करना पड़ेगा। मैं देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि यह मौका काफ़ी सालों के बाद उन्होंने हमको दिया। मैं दीपक केसरकर जी और उनके टीम का भी अभिनंदन करता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन, पूरे देश से विद्यार्थियों ने आना, उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके सारे प्रोजेक्ट्स को ठीक प्रेजेंट करना, ये कोई छोटा इवेंट नहीं है। तो ऐसे बड़े इवेंट के लिए माननीय केसरकर जी का भी अभिनंदन करता हूँ, राज्य के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे, राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार। ये गत 16-17 महीने से जैसे नया सरकार आया है हर विषय को प्रोत्साहन देते हैं। मैं हायर एजुकेशन का काम कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान में कि हम कोई भी नया विषय उठाता है तो उस नए विषय को वो प्रोत्साहन देते हैं। हायर एजुकेशन में बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट का आग्रह जो हमने रखा तो उस स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग कॉलेजेस में इनोवेशन सेंटर बनने के लिए फंड्स माननीय अजीत दादा बहुत आसानी से देते हैं। तो इन तीन हमारे त्रिमूर्ति जो इस राज्य की प्रगति के लिए बहुत प्रोत्साहन देते हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करके मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।